हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर। आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि वो कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से खाने की वजह से आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में बढ़ता है और कौन कौन से खाने से आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इसको कवर करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। तो स्टार्ट करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया यानी कि खून की कमी। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखते हैं हम, आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 4000 मिलीग्राम क्या होता है, हमारा आयरन होता है। इस 4000 मिलीग्राम में से आपका जो 10% होता है वो आपका प्रेजेंट होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, बाकी जो 20% होता है वो आपका प्रेजेंट होता है लीवर के सेल्स में, और बाकी जो 70% होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो कि आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इन सबको मिला के आपका 4000 मिलीग्राम आयरन जो होता है आपका बटा होता है इन सब जगह। ओके, अब अगर हमारी आरबीसी टूटती है, जो कि डेली टूटती है, कितनी टूटती है, 20 से 25 ml हमारी आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय होती है। इसमें से जब डिस्ट्रॉय होगी तो हमारा आयरन रिलीज होगा। ओके, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भी आपका टूटेगा तो उसमें से आयरन रिलीज होगा। कितना आयरन रिलीज होगा, 25 मिलीग्राम आयरन। इन 25 एमएल में से 25 मिलीग्राम आपका आयरन जो है वो रिलीज हो गया। ओके, डेली जो होता है। अब इस 25 मिलीग्राम आयरन का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये 25 मिलीग्राम आयरन में से आपका 1 मिलीग्राम जो आयरन होगा वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपके बाइल में से। ठीक है, आपका बाइल होगा उसके थ्रू आपका एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी में से, तो 1 मिलीग्राम तो चला गया बॉडी से, बॉडी ने उसको भेज दिया बाहर। बाकी का जो आपका 24 मिलीग्राम आयरन होता है वो आपका नए आरबीसी को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। हमारी बॉडी में आरबीसी जो है वो आयरन का इंटेक ज़्यादा कम मांगती है, यानी कि उसको आयरन की रिक्वायरमेंट कब होती है, इन्फेंसी के केस में, जब बच्चा होता है उस केस में, आपका ब्लीडिंग के केस में, वुमेंस में जब पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पर उनको ब्लीडिंग होती है तो उनकी बॉडी को आयरन की नीड ज़्यादा होती है। या फिर अगर आप डाइट ढंग से नहीं ले रहे हैं तो आरबीसी को तब ना हीमोग्लोबिन बनाना है ना, तो उसको आयरन की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, और हमारी बॉडी जब इस केस में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती, ओके, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो लीवर होगा और हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं हमारे बोन मैरो में, वो क्या करेंगे, ये अपना आयरन आरबीसी को देने लग जाएंगे, क्योंकि आयरन चाहिए आरबीसी को, आयरन को आपको आरबीसी जो है उसको बनाना है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो किसी से भी आयरन ले लेगी। तो क्या करेगी, वो लीवर से, आपके लीवर के सेल्स से, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स से अपना आयरन की पूर्ति करेगी। ओके, और एक टाइम करते करते ऐसा आएगा जब आपके लीवर के पास और अपने रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के पास भी आपका जो आयरन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे केस में आपका होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में आपके जो आरबीसी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, माइक्रोसाइटिक मतलब छोटे, माइक्रो मतलब छोटे, साइटिक मतलब सेल, यानी कि माइक्रोसाइटिक आपके आरबीसी जो है वो नॉर्मल से छोटे हो गए, और हाइपोक्रोमिक उसके अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो कैसा हो गया, हाइपो मतलब कम हो गया। आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमको ऐसा दिखेगा हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, जबकि जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे इसमें तो आपका दिखेगा, आपका इसमें जो आपका साइज है वो छोटा हो गया है, इसका जो सेंट्रल पिलर होता है जो व्हाइट वाला हिस्सा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, आपको कैसा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है व्हाइट वाला हिस्सा, यानी कि आपका रेड वाला पार्ट कम है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होगा वो कम होगा, जबकि जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसमें सेंट्रल पिलर आप देख सकते हैं इतना ही है, जबकि रेड आपका जो आपका रेडिश पिंक जो एरिया है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हाइपोक्रोमिक यानी कि हीमोग्लोबिन भी कम पाया जाएगा और सेल भी छोटा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो रेड सेल इंडिसेस होते हैं यानी कि हमारे MCV, MCH, MCHC ये सब भी डाउन हो जाते हैं। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन लॉस इज मोर देन आयरन एब्जॉर्ब। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा कि आपका जो आयरन का लॉस हो रहा है हमारी बॉडी में से वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन एब्जॉर्ब, तो आपकी बॉडी जो है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ताकि उसको आपका हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो पाए, तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और आपका आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है।
अब आयरन एब्जॉर्प्शन आपका किसी भी वजह से हो सकता है, हो सकता है आप खाना ढंग से नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है जो जहाँ से हमारा आयरन एब्जॉर्ब होता है, हमारा इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ड्यूडिनम होता है, प्रॉक्सिमल जुजिनम होता है, वो वाला हिस्सा क्या करता है हमारे आयरन को एब्जॉर्ब करता है। तो हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत हो या फिर हमारे लिवर में कोई दिक्कत हो, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं इस केस में क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता है, वो भी हम देखेंगे अभी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप्स इन टू स्टेजेस। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी जो होता है आपका वो आपका दो स्टेजेस में होता है। पहला क्या है, डिप्लीशन मतलब कम होना, धीरे धीरे करके आयरन की आयरन आपका बॉडी में से कम होगा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अवेलेबल टिश्यू आयरन, तो आपके टिश्यूज में जो आयरन होता है वो धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम पर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एनीमिया का डेवलपमेंट होगा, पेशेंट की बॉडी में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ आयरन इज डन बाय थ्री प्रोटीन्स। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में आयरन का और आयरन का जो स्टोरेज होता है वो तीन प्रोटीन की वजह से होता है मैक्सिमली, और आपका कौन सा होता है वो ट्रांसफरिन होता है, जो कि आपका ट्रांसफरिन मतलब ट्रांसफर करेगा, ओके नाम से समझ में आ रहा है कोई ट्रांसफरिन, तो आपका ट्रांसफर करता है आपके आयरन को ये ट्रांसफरिन रिसेप्टर, तो कि जो आपका आयरन आया है ट्रांसफर करके उसको रिसीव करने का जो काम होता है वो ट्रांसफरिन रिसेप्टर्स करते हैं। बाकी आपका फेरेटिन होता है वो स्टोरेज फॉर्म होती है आपकी फेरेटिन, और इसके अलावा आपके हीमोसिड्रिन भी होती है आपके आरी सेल्स के अंदर, तो ये आपके सारे ये आपका हो गया स्टोरेज फॉर्म फेरेटिन और आपका ट्रांसफरिन रिसेप्टर्स क्या है आपके प्रोटीन्स हैं। अब हम देखते हैं डाइट, मतलब कौन कौन से डाइट अगर लेंगे हम, कौन कौन सा हम खाना लेंगे जिसकी वजह से आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा या फिर बढ़ेगा, और कौन कौन से खाने से आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर। तो आपका जो मीट होता है, फिश होता है, सी फूड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये सब क्या करते हैं हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। जबकि आपके फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, टी जिसमें टैनिक एसिड होता है, आपका कॉफ़ी हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, हाई डोसेज ऑफ मिनरल्स हो गया, ऐसे फूड्स, आपका फाइबर हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी या फिर इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन या फिर स्टोरेज, मतलब कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी होने के लिए या फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन ढंग से ना हो पाए, उसमें इम्बैलेंस हो जाए या फिर आपके स्टोरेज में इम्बैलेंस हो जाए, ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका वेजिटेरियन ईटिंग स्टाइल्स या फिर वीगन डाइट्स, जो ऐसा लेते हैं वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें क्या होता है आपके आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। अ लो इनटेक ऑफ मीट, फिश और आयरन फोर्टिफाइड फूड्स, तो अगर आप मीट या फिश का इनटेक जो खा रहे हैं वो कम कर रहे हैं या फिर आयरन फोर्टिफाइड फूड्स, ऐसे फूड जिनमें आयरन अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, ऐसे अगर आप फूड कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे ही आपका फूड रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें आपका एस्कॉर्बिक आपका एसिड होता है, अगर ऐसे फूड आप कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसके अलावा आपका फ्रीक्वेंट डाइटिंग, अगर आप डाइटिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं उस केस में हो सकता है आपका क्रॉनिक और सिग्निफिकेंट वेट लॉस के केस में हो सकता है, आप वेट लॉस आपका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है या फिर आप मील स्किप कर रहे हैं, एक टाइम खा लिया एक टाइम नहीं खाया, तो उस केस में आपको आयरन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो इंक्रीज्ड आयरन रिक्वायरमेंट या फिर लॉसेस, तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या फिर हमारी बॉडी में से आयरन का लॉस ज़्यादा होगा। इसमें आता है हमारा हैवी या फिर लेंथी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो वुमेंस में आपको जो अगर पीरियड्स हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहे हैं, लंबे टाइम तक हो रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग निकल रही है, तो उस केस में क्या होगा आपकी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बॉडी में से आयरन का लॉस यानी कि RBC ज़्यादा निकल रहे हैं। ओके फिर आगे हमारा प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी केस में भी उनको चाहिए होता है आयरन क्योंकि उनको फीटस डेवलपमेंट करना होता है, बच्चे का भी खून बनाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारा IBD हो गया, इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज़, तो बॉल मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन और इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, यानी हमारी जो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या हो गया हमारा इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा इंटेस्टाइन आपका क्या करता है मैंने बताया था उसमें आपके जो ड्यूडिनम होता है प्रॉक्सिमल जुजिनम होता है वो एब्जॉर्प्शन करता है, तो अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन, तो आपका जो अगर आप ब्लड डोनेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बॉडी को आपके RBCs बनाने हैं क्योंकि RBCs तो आपने दान कर दिए डोनेट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा उसको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, तो अगर कोई पैरासाइट है तो आपका मेजरली क्या करता है वो आपके ब्लड के अंदर ही इन्फेक्शन कॉज करता है, तो
आरबीसी के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उसको नए आरबीसी बनाने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ आईडीए, हमारे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो होता है उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसमें आता है आपका फैटिगनेस और वीकनेस, आपका जो बॉडी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा थकान होगी, आपको कमजोरी होगी, आपका जो स्किन का कलर है वो नॉर्मल से आपका पेल होने लग जाएगा, थोड़ा पीलाश या फिर हल्का पड़ने लग जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं तो डॉक्टर ऐसे करके देखते हैं, इसमें आपका ये कलर होगा वो रेडिश मेरा दिख रहा है, तो आपको थोड़ा लाइटिश दिखेगा आपके एनीमिक पेशेंट में, ओके। इसके अलावा हम ना इधर जो होता है ऐसे करके भी जाँच करते हैं, तो इधर दबाएंगे तो हम रेडिश पड़ जाता है ना, तो लेकिन एनीमिक जो पेशेंट होंगे उनमें कैसा हो जाता है, वो थोड़ा कलर लाइट दिखेगा आपको। इसके अलावा आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके हाथ पाँव जो होंगे वो ठंडे पड़ने लगेंगे, और आपका जो नाखून होते हैं वुमेंस में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और आपका पिका हो सकता है, यानी कि अनयूजुअल क्रेविंग होती है ऐसे, मतलब खाना खाने की इच्छा होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब खाते क्या है मगर उस केस में आपका आइस हो गया, डर्ट हो गया, चौक हो गया, पेपर हो गया, ऐसे खाने की इच्छा होती है लोगों को। इसके अलावा आपका हेयर लॉस हो गया, तो आपका इसमें क्या होगा बेसिकली ना, आपके बाल झड़ते हैं, आपके हेयर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाते हैं उस केस में, और एंड में आपका बाल धीरे धीरे करके झड़ने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ आईडीए, हमारा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको बचाव कर सकते हैं अपनी बॉडी में कि हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस डाइट लेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें आयरन आपकी अच्छी मात्रा में होता है, हम विटामिन सी का इंटेक अच्छे से करेंगे, अपने खाने में विटामिन सी ज़्यादा लेंगे, आपका कैल्शियम जो होगा उसको लिमिटेड करेंगे क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आपका कॉफ़ी जो हो गया, टी हो गया, उसको आप लिमिट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बार नहीं लेंगे। आपका जो कुकिंग टेक्निक्स हो गया उसमें आप चेंजेस करेंगे, अपना जो खाना होगा उसको हम लोहे की कढ़ाई में या फिर लोहे के पैन में बनाया करेंगे, ताकि आपका जो खाना है, आपका जो लोहे की कढ़ाई है, लोहे का पैन है, उससे भी आपके आयरन अच्छे से खाने के साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी में अच्छे से आ पाए। इसके अलावा अवॉइड एक्सेसिव डेयरी, तो डेयरी का प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, आपका प्री नेटल और पोस्ट नेटल हम केयर अच्छे से करेंगे, माँ के बच्चे की दोनों की, ओके। अब हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस मतलब लैब में हम कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सीबीसी मतलब कंप्लीट हीमोग्राम, उसमें हम देखते हैं हमारा हीमोग्लोबिन देखेंगे, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आईडीए में डाउन हो जाता है, आपका एमसीबी एमसीएस एमसीएचसी भी डाउन हो जाता है। इसके अलावा आपका आयरन स्टडीज़ करते हैं हम, मतलब आयरन स्टडीज़ में हम करेंगे सीरम आयरन करते हैं, टीआईबीसी करते हैं, फेरेटिन करते हैं और सीरम ट्रांसफरिन करते हैं, ओके। ये सारे टेस्ट आयरन स्टडीज़ में आते हैं, इनको मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा बाद में। और एग्जामिनेशन हम फीसिस की बात करें, इसमें हम फीसिस का एग्जामिनेशन भी करते हैं अदर टेस्ट में, जिसमें हम ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई दिक्कत होगी, ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से आपका ब्लड का लॉस हो रहा है, ये हम देखते हैं। इसमें आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि पेशेंट को कहीं हीमाचूरिया तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आयरन की आपका आयरन हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा मांग रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपका गैस्ट्रिक जूस को एनालिसिस करते हैं हम, आपका जो एक्लोरहाइड्रिया जो कंडीशन हो जाती है उसके इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना, आपका जो एक्सेल होता है बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक जूस आपकी बॉडी में चाहिए होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। आपके खाने को तोड़ के आपका फिर एब्जॉर्ब कराने में वो आपका हेल्प करता है, तो ये भी हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आपका जो सीरम बिलरुबिन हो गया और एसजीपीटी हो गया, इसको हम देखते हैं क्योंकि लीवर सिरोसिस के केस में ये दोनों आपके बढ़ जाते हैं, ओके। तो अगर आपके कोई लीवर में दिक्कत होगी तो भी आपका आयरन की बॉडी ज़्यादा आपको डिमांड होगी और आपकी आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया आपको इस केस में हो सकता है। अब हम देखते हैं लैब रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट में आपका आयरन प्रोफाइल बता रखी है, इसमें आयरन है, टीआईबीसी है, ट्रांसफरिन सैचुरेशन है और आपके फेरेटिन है। तो आयरन की नॉर्मल वैल्यू उसमें कितनी होती है, 65 टू 175 माइक्रोग्राम पर डीएल, और टीआईबीसी कितनी होती है, 250 टू 425 माइक्रोग्राम पर डीएल, और आपकी ट्रांसफरिन सैचुरेशन जो होगा वो परसेंटेज में होता है, कितना परसेंट होना चाहिए, 20-50% कम से कम होना चाहिए, और आपका फेरेटिन कितना होना चाहिए, वो हमारी बॉडी में होना चाहिए 322 आपका नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है नैनोग्राम पर एमएल, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।